पहला क्वेश्चन, आपको एक ट्रे गिवन है, आज मैं आपको होमवर्क शीट देने वाला हूँ, उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, 19th क्वेश्चन है शायद जो मैं दूंगा। एक ट्रे है और एक आइस का क्यूब है और ये ग्राउंड है, सारे डिस्टेंसेस ग्राउंड से लेने हैं। क्वेश्चन है, ये क्यूब आइस का यहाँ पड़ा हुआ है जिसकी साइड एल है और ट्रे का मास कैपिटल एम है और आइस का स्मॉल एम है, गिवन है, दो बॉडीज हैं। तो इनका कोई, इसका सेंटर ऑफ मास आइस का आइस के सेंटर पे, ट्रे का सेंटर ऑफ मास ट्रे के सेंटर पे, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के कहीं बीच में, राइट। क्वेश्चन है, आइस पिघल गई, आइस पिघल के पानी बन गई और पानी बिल्कुल फ्लैट हो गया बिना किसी थिकनेस के, बिल्कुल ट्रे के ऊपर फैल गया, हाइट नहीं है उसकी, बिल्कुल फैल गया। तो सेंटर ऑफ मास आइस का ट्रे के ऊपर आ गया, इस साइड पे आ गया। तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया क्योंकि ये यहां पर, ये वाला सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आ जाएगा, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास डिक्रीज हो जाएगा आइस के पिघलने की वजह से। जितना पहले था और जितना अब है, उनमें डिफरेंस क्या होगा ये बताओ। अच्छा चलो, पहले क्या था, आइस को आइस रहने दो। इस ग्राउंड से ट्रे के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है, एक्स वन, मान लो एक्स वन, और इस आइस के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है ग्राउंड का, एक्स टू। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ट्रे का मास बड़ा एम है, ट्रे का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का कितना है, एक्स वन है, आइस का मास एम है और डिस्टेंस कितना है आइस का, एक्स टू है अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये स्टेप क्लियर है, ठीक। आइस पिघल गई, जब आइस पिघली ना तो आपका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया, तो पहले सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे था, एक्स टू, कितना डाउन आ गया, एल बाई टू, टोटल साइड एल है तो कितना डाउन आ गया, एल बाई टू। तो नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ट्रे को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ट्रे तो अभी भी एक्स वन पे है, पर आइस कहां पर आ गई, एक्स टू माइनस एल बाई टू, बाकी सेम है। तो आपको क्या निकालना है, एक्स डैश माइनस एक्स या एक्स माइनस एक्स डैश, पहले सेंटर ऑफ मास ये था, अब सेंटर ऑफ मास ये है, दोनों को माइनस कर लेना, ऐसा ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक। तो आइडिया क्लियर है। और एक क्वेश्चन ये वाला, इसके बेस पे तो एक शॉर्टकट ही नोट करेंगे, वैसे बता रहा हूं मैं आपको, सीधा फॉर्मूला बुकलेट ओपन करो, फॉर्मूला बुकलेट ओपन करो, ठीक। बता देता हूं ये किया क्या हुआ है, इसके अंदर ये किया हुआ है कि मान लो आपके पास एक एम वन मास है और एम टू मास है और अनइक्वल मासेस हैं, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी एक्स वन है, इसकी एक्स टू है। तो पहले एक शॉर्टकट बना रखा है सॉल्व करके, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू, आज हमने वो बनाया हुआ है ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में, याद है मैंने कहा था एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू, अभी मैं शॉर्टकट लिखवाऊंगा, रुक जाओ, ये हमने किया था। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर एम वन को थोड़ा पास ले आए हम सेंटर ऑफ मास के डी, और एम टू को पास ले आए डी डैश, तो एम टू एम वन डी और डी डैश में क्या रिलेशन है। तो देखो ऐसा, और प्रोवाइडेड सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं करनी, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, इस मास का कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स वन माइनस डी, इसका क्या बनेगा एक्स टू माइनस डी डैश, फिर से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको नहीं करना, आप सिंपल ये फॉर्मूला नोट करेंगे। अब क्या लिखना है फॉर्मूला, ये रिजल्ट क्या आया, आप इस टॉपिक को ही मत करना, फॉर्मूला बुकलेट में दो लाइनें नोट कर लो बस, ये समझो टॉपिक हो गया, लिखो फॉर्मूला बुकलेट में, ये बताया मैंने इस टॉपिक में कि सपोज केस नंबर वन, अगर ये मास एम वन है, ये मास एम टू है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये एक्स वन है और ये एक्स टू है, तो एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू। प्लीज ये पहला फॉर्मूला नोट करें, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, जो मैंने करवाया कुछ नहीं करना आपने, बस सीधा ये फॉर्मूला नोट करें, क्लियर है यहां तक। और केस नंबर टू, कि अगर एम वन और एम टू में से सेंटर ऑफ मास वहीं पर है, अगर एम वन आगे आ गया बाय डिस्टेंस ऑफ डी वन, तो एम टू कितना आगे आया डी टू, ताकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन रिमेन्स सेम। तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ये लो दो फॉर्मूला नोट कर लो। तो क्वेश्चन में कहेगा कि एम वन 2 सेंटीमीटर पास आ गया, तो एम टू कितने सेंटीमीटर पास आए, ताकि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, कुछ भी ना करना, एम वन डी वन एम टू डी टू, तो प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने बताया ना देखना है ना करना है, क्रॉस कर दो उसे, छोड़ दो, बस ये सफिशियंट है। और क्या सिमेट्रिकल फॉर्मूला था, कुछ करना ही नहीं है, इतना तो याद कर ही लोगे, ठीक है यहां तक।
हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला के ऊपर प्रूफ नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है यहाँ तक तो बस ठीक है। इसके साथ सेंट्रल मास को क्लोज करते हैं और आपकी ऑब्जेक्टिव शीट्स का होमवर्क नोट कर लेना।